मैं समझी नहीं, क्या हो रहा है यहाँ? मिस्टर नजीब, क्या हुआ है आपको? आप मुझे छोड़ें, ये बताएं आदमी कौन है? आपका लवर है क्या? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसा लवर? झूठ मत बोले मुझसे, मुझे हर चीज की खबर है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ मिस्टर? बहुत बड़ी गलत फहमी है मिस्टर नजीब। आइए मैं आपका डॉक्टर ओनी से तारुफ करवाती हूँ। हेलो मिस्टर नजीब। जिस हॉस्पिटल से आपका चेकअप होता है वहाँ के चीफ डॉक्टर। जी बोलिए मिस्टर चिनार। हाँ, तो प्राग को पिक कर लिया? ले लिया है सर, हम रस्ते में हैं। मेरी जरा बात कराना उससे। हेलो चिनार। रास्ते में हो तुम? हाँ। बताओ तुम क्या खाओगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप लोग चाहें। ओहो, बताओ ना, मैं उसी के हिसाब से रिजर्वेशन करूंगा। मछली पसंद है? ठीक है, खा लूंगी। तुम ठीक हो तो प्राग? कुछ हुआ तो मुझे प्लीज बताओ। कुछ नहीं हुआ चिनार, मैं ठीक हूँ। मछली खा लेते हैं, वो भी बॉस्फोरस में। मेरा मतलब है, मुझे लगे तो सही कि मैं इस्तांबुल आया हूँ। अच्छा, तुम मेरी ड्राइवर से बात कराओ, मैं उसे रेस्टोरेंट का बता देता हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर ओनी, हम जल्द से जल्द आपके पास चेकअप के लिए आएंगे। ऑफ कोर्स अमृत मैडम, आप जब भी चाहें। मिलते हैं। माफ कीजिएगा सर, मैंने गलत समझ लिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज नजीब साहब। गुड डे। ये क्या था मिस्टर नजीब? माफ कीजिएगा, मैंने गलत समझ लिया था। गलती? ऐसा क्या है? मैं आपकी सेहत के बारे में सोच रही हूँ और आप मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने, अब मुझे चलना चाहिए। आप कहीं नहीं जा रहे मिस्टर नजीब, अचानक से यूं आकर पता नहीं क्या क्या कह देना और फिर उसके बाद आपको मुझे वजाहत देनी होगी। क्या कहूं समरत मैडम, मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई। आपसे ये खता करवाने वाला आखिर कौन है? कौन आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है? इकबाल मैडम, मैडम मेरा गला खुश्क हो रहा है, मैं पानी पीऊंगी फौरन। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी पर इल्जाम ना लगाएं। अच्छा, आप सब कुछ जानते हुए भी इकबाल मैडम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ गई हूँ। जब बात इकबाल मैडम की होती है, आपका जितना भी इंसाफ है वो सब एकदम से खत्म हो जाता है। मिस्टर नजीब, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो चलते हैं और इसके बारे में उनसे पूछते हैं। ऐसा ना करें जमरुद मैडम। आप क्यों परेशान हो गए मिस्टर नजीब? अगर वो बेकसूर हैं तो फिर क्या मसला हो सकता है? इस मौजू को यहीं खत्म कर लेते हैं। अब बात मेरे किरदार की है मिस्टर नजीब, मेरे खिलाफ ऐसी बदतमीजी का जवाब आपको लेने की जरूरत थी ना, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं पूछ रहे तो मैं पूछ लूंगी। वो औरत आपके दिमाग में झूठ और गलत चीजें डाल रही है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। जमरुद मैडम, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक के रह गई है, खुदा की कसम। जल्दी दो पानी। ये ले मैडम। थैंक यू।
शुक्रिया तुम्हारा। इंजॉय करे मैडम। किसी ने मुझे कॉल तो नहीं की मरवत? नहीं मैडम। मिस्टर नजीब ने भी नहीं की कॉल? जी नहीं की मैडम। तुम क्या पका रही हो? ड्राई बीन पास्ता बना रही हूँ मैडम, बिल्कुल जैसा आपको पसंद है। मुझे मत बताओ, मैं नहीं खा सकती ये सब। अरे बीन से क्या नुकसान होता है मैडम? नहीं मरवत, लिस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा तो मेरे लिए वही जो पुराने अंदाज का बहुत सारा ग्रीन सैलेड बना कर दो। कुछ टमाटर चॉप कर देना, ग्रीन चिलीज को चॉप कर देना और उसके अंदर कुछ खीरा भी चॉप करके डाल देना, और देखकर जरा अच्छे से बनाना, ठीक है ना? समझ गई? जैसा आप चाहें मैडम। हटो जरा, मैं देखूं तो सही इसका टेस्ट ठीक है कि नहीं। एक मिनट रुक जाओ। समृद्ध मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप पुरसुकून हो जाएं। आप कितना परेशान होने का मतलब है कि मैं हक पर हूँ मिस्टर नजीब? हम मिस्टर जकी के पास जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। चलो फौरन घर चलो बेटा। जी सर। खुश आमदीद सर। थैंक यू। आए आपको नीचे ले चलता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हम यहाँ तक तो खुद चल के आए, हमें समंदर के खूबसूरत नजारे वाली टेबल पे बैठना है। आप फिक्र मत करें बाबा, मुझे यकीन है वो हमें बेहतरीन टेबल ही देंगे। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, मुझे समझ में नहीं आया ना। मैडम आपने जहमत क्यों की, मैं खोल देता। ठीक है, थैंक यू। वेलकम तोपराक। थैंक यू। बेटी अपने शोहर के साथ बैठो। इसी तरह, ताकि सामने में तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख सकूं। ऑर्डर करें क्या? मैं यूरोपियन फिश लूंगा, आप क्या खाएंगे? बेटा जो तुम मंगा लोगे मैं भी वही खा लूंगा, बस एक छोटी वाली खोलेंगे, नहीं तो मछली बुरा मान जाएगी। जी यकीनन, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे सकूंगा, मैंने गाड़ी चलानी है। ठीक है ठीक है, इन मामलों में ऐसा करना लाजमी है। तुम क्या लोगी तोपराक? जो आप लोग खा लेंगे मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है, फिर तुम्हारे लिए भी एक यूरोपियन फिश ऑर्डर करते हैं, पसंद आएगी तुम्हें। मेरे लिए डेढ़ मछली होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी मछली सेहत के लिए अच्छी है। वाह, तुम्हारे हाथों में बरकत डाले अल्लाह। इंजॉय करे मैडम। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। बिना नमक के कितना बदमजा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी डाल लेती हूँ।
जमरुत मैडम प्लीज ऐसा कुछ ना करें। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते मिस्टर नजीब? आप हक पर हैं, मगर प्लीज ऐसा कुछ ना करें। रुकने के लिए कोई वजह तो बताएं। जमरुत मैडम, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, वैसे भी आप दोनों के बीच दुश्मनी चल रही है, अगर आप अभी इस बारे में बात करेंगी तो हर चीज उलझ जाएगी। बहुत खूब, तो क्या मैं एक कसूरवार की तरह खामोश रहूं और जो कुछ इकबाल मैडम ने किया है उसकी उनको सजा ना मिले? जमरुत मैडम प्लीज ये आप मेरे लिए करें। आपके लिए करूंगी मिस्टर नजीब। आपका सर ने मेरे साथ जुड़ा है इसीलिए करूंगी। मैंने आपके भरोसे को जीतने के लिए बड़ी मेहनत की है, उसको तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगी। जमरुत मैडम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया दामाद, ऐसा मजा कहीं नहीं आया। शुक्रिया आपका। बाबा मेरी अम्मी से बात हुई थी, उनकी आवाज ठीक लग रही थी, क्या वो वाकई ठीक है? अच्छी है, अच्छी है। मतलब जैसा तुम उसे जानती हो, मुस्तकिल हॉस्पिटल जा रही है, जब वो अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेती है तो वो हमेशा ठीक ही रहती है। बाजी कैसे हैं? आजकल मेरी बात नहीं हो रही। ठीक है, तुम्हें तो पता है कि वो हमेशा अपने शादी की जल्दी में रहती है, और हम तो तैयारी वैसे भी कर ही रहे हैं उसकी शादी की, सारा दिन अपने कमरे में रहती है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना उसको। हामियत मैडम लोग कैसे हैं बाबा? ठीक है। और यूसुफ साहब? वो कैसे हैं? ठीक है। यूसुफ को क्या होना है, वो अपना काम कर रहा है। फूफो कैसी हैं? उनसे भी कभी कभार बात हो जाती है। उसकी तो वही पुरानी आदत है, हर किसी के साथ नए खेल खेलती है, लट्टू की तरह घुमाती रहती है सबको। हर कोई अपना दर्द उसकी पीठ पे लाद देता है, वो इस सबको उठाने की कोशिश में लगी रहती है, इसी में खुश रहती है वो। इकबाल मैडम कहाँ है? वो डाइनिंग रूम में है मैडम। जमरुत मैडम कहाँ गई? इकबाल मैडम के पास। आप क्या समझती हैं, आप क्या कर रही हैं इकबाल मैडम? जैसा कि आप देख रही हैं, मैं सलाद खा रही हूँ जमरुत मैडम, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपने शायद अपना दिमाग ही खा लिया है। आपका हदफ क्या है, क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? हाँ, अब मैं समझी, आप कुछ ढकी छुपी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। आप क्या समझ रही थी, आपके खुफिया प्यार का किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने किसी से प्यार नहीं किया, ऑफ कोर्स अपने शौहर नजीब के अलावा। आहा, ये बात तो मेरी जूती से कहो। क्या हो रहा है ये सब? मिस्टर नजीब, ये बेअदब औरत किस मुँह से मुझसे हिसाब ले रही है? क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा कि ये उस आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी? प्लीज इकबाल मैडम, कोई गलतफहमी हो गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो जमरुत मैडम की एक डॉक्टर के साथ मीटिंग थी, और उसका नाम ओनी था। समझ गई, तो आपने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। आप जहनी तौर पर बीमार हैं, आपका दिमाग आपके साथ अजीब से खेल खेलता है, फिर आप इन चीजों को शक्ल देते हैं। अच्छा, ओके, देखते हैं जब तुम्हारे प्यार के सबूत की तस्वीरें आएंगी तो क्या तुम इसी तरह मासूम बन पाओगी समरुत मैडम?
पागल हो गई है ये औरत। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया इस तरह। बेशरम, बेहया औरत, समझती है सब अंधे हो गए, किसी को कुछ नजर नहीं आता। देखती हूँ जब तुम इन तस्वीरों को देखोगी तो क्या करोगी। अच्छा मैं तुमसे तो ये पूछना भूल गया बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं ठीक हूँ। खुशखबरी कब सुना रही हो? कैसी खुशखबरी बाबा? नवासा या नवासी? एक दूसरे को ना देखो तुम लोग। मुझे तो अपने नवासे या नवासी को गोद में लेके प्यार करना है। किस्मत बाबा, इंशाल्लाह वो भी होगा। हाँ तुम लोग जल्दी करो, देखो हवा की भी अगर शादी हो जाती है तो मैं पहले उससे नवासा मांगूंगा। हमारी बेटी हवा पहले बांजोलो को पैदा करेगी, मैंने उसे ये साफ साफ कह दिया है। क्या मतलब? आप रोजगार की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या तुम नहीं जानती रोजगार यूसुफ का बेटा नहीं है? से कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, दलील है, जो चीज है ही नहीं उसको कैसे प्रूफ करेगी? ये लीजिए मिस्टर नजीब, अपनी बीवी की रंगरलियां अपनी आंखों से देख लीजिए। मतलब बाबा, क्या वो रोजगार को किसी और को दे देंगे? अफसोस होगा मुझे उसके लिए। ओ, नहीं 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 नहीं, रोजगार किसी को नहीं देंगे, वो यूसुफ के साथ महल में ही रहेगा। नहीं ये कैसे हो सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी आंखों से खुद रिपोर्ट देखी थी रोजगार की, मिस्टर यूसुफ का बेटा था ये लिखा था। ये सब झूठ था, किसी ने रिपोर्ट बदल दी थी। बाबा किसने कोई ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या पता बेटी, किसी मिलने जुलने वाले बंदे ने ऐसा कर दिया होगा मजाक में। बाबा अल्लाह का वास्ते ऐसा मजाक होता है क्या? एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तो प्रक सही है बाबा, ऐसा मजाक नहीं होता। अगरचे ये यूसुफ ने किया, लेकिन फिर भी मैं उसे कॉल करके पूछूं कि क्या उसे मेरी मदद चाहिए। जरा रुको बेटा, जरा रुको। वैसे भी मिस्टर यूसुफ को बहुत अफसोस हुआ था इस हादसे के ऊपर। अभी उसको याद दिलाकर उसके जख्म हरे मत करो। यहाँ हम अच्छे मूड में खाना खाने आए हैं, देखो तोपराग का मूड खराब हो गया। अफसोस है मिस्टर यूसुफ को, कितना दुख हुआ होगा, उनके पैरों तले से तो जमीन निकल गई होगी। उनके जैसा अच्छा इंसान कौन है, उनके साथ ऐसा क्यों किया जा सकता है? रोजगार को अपना बेटा कहकर अपने सीने से लगाया, हमेशा एक साथ खेले, वो कितने खूबसूरत दिन थे। अफसोस है मेरे रोजगार के लिए। आपकी इजाजत हो
तो मैं जरा वॉशरूम से आया। आ जाओ। ओहो, मेरी जुबान कट जाए। मुझे पता है तुम्हें उस बच्चे से बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी देखो वो एक महल में रह रहा है। रोजगार अगर महल में रह रहे तो सिर्फ मिस्टर यूसुफ की वजह से। उन जैसे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो तुम हाथ मुंह धो लो, मैं वेट करता हूं। कैसे हो सकता है, किसी ने तस्वीरें बदल दी हैं? अब बहुत हो गया, अपने दिमाग की गलासत के साथ आप मुझे जज नहीं कर सकती। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने आपसे क्या कहा है? जमरूद मैडम, आप उस आदमी को जिस तरह किस कर रही थी मैंने अपनी आँखों से देखा था। जो आपकी आँखों ने देखा है वो ये है। मेरी बात सुनो तुम। बस खत्म करें इस बकवास को। मिस्टर नजीब, मैं अपना बचाव कर रही हूँ। आपकी भाभी के लगाए हुए इल्जाम पर मैं चुप नहीं रह सकती। कैसा इल्जाम औरत, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। कह रही हूँ ना तुमसे, तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। अब बस, मैं और नहीं सुनूंगी। बस भी कर दे अब। आपको मुझसे फौरन माफ़ी मांगनी होगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दाद देनी चाहिए तुम्हारी एक्टिंग की जमरूद मैडम। भाभी, क्या हो रहा है? आपकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। बकवास हो रही है, हटो मेरे सामने से। आप देख रहे हैं ना मिस्टर नजीब, मेरे बारे में कैसा इमेज बना रही हैं। अब मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए। मिस्टर नजीब, ठीक है जमरूद मैडम, अब आप अफसरदा ना हो, चलें हम बात खत्म करें। सिर्फ एक शर्त पर, इकबाल मैडम आकर मुझसे माफी मांगेंगी। जमरूद मैडम, मुझे कन्विंस मत करें, जाकर अपनी भाभी से बात करें प्लीज। वो कोई बच्ची नहीं है कि मैं उन्हें कान से पकड़ के यहाँ ले आऊं माफी मंगवाने के लिए। क्या मतलब? क्या आपको ये लगता है कि ये मेरे साथ होना चाहिए था? मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे अफसोस है, आप हक पर भी हैं। मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम मुझसे माफी मांगेंगी या फिर मैं उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहूंगी। अब जाते ही फौरन मछलियां आ गईं। मैंने सोचा ये कहीं ठंडी ना हो जाएं। तुम लोगों के आने से पहले ही शुरू हो गई। चलें, बहुत अच्छा किया बाबा। चलो आओ, तुम लोग भी शुरू हो जाओ। आप खाएं बाबा जान। Thank you.
भाई, मैंने भाभी को देखा अभी, वो इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हो गया है? काश मुझे पता होता रेहान, काश पता होता। कहाँ जा रही हैं जमरत मैडम? मैं आपको बोल चुकी हूँ मिस्टर नजीब, इस तरह तोहमतें लगाने वाले घर में मैं नहीं रहूंगी। जब इकबाल मैडम अपनी गलती का मुआवजा अदा करेंगी तब मैं वापस आऊंगी। मेरी क्या गलती है जो आप ऐसा कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपके लिए जो मेरी फीलिंग्स हैं वो बदली नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा फैसला बरकरार है, जिद मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। हर चीज इतनी महंगी हो गई, तौबा, यहाँ तो खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। कहाँ चली जमरुद मैडम? तौबा इस्तग़फ़िरुल्लाह, बड़े छोटे की तमीज ही नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे जमरुद मैडम। क्यों मरवत, मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया था। तुम वो करोगी जो मैं कहूंगी और मैं चुप रहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आपने जो कहा मैंने किया, अब आप क्या चाहती हैं जमरुद मैडम? इस घर में क्या हो रहा है मुझे हर चीज की खबर चाहिए। तुम मेरी मुखबर बनोगी, समझी तुम? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी जमरुद मैडम, वैसे भी मुझसे बड़ी गलती हो गई है। ओके ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे शौहर का शहर से बाहर नहीं बल्कि जेल में होना सबको बताऊंगी। जो भी हो मिस्टर नजीब का हर चीज का जानने का ज्यादा हक है। ठीक है ठीक है जमरुद मैडम, आप जो चाहती हैं मैं करूंगी। मैं आपकी गुलाम बन जाऊंगी, पर आप किसी से कुछ नहीं कहिएगा। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हर चीज महंगी है खुदा की कसम नजीब, हमारे यहाँ जो चीज 3 लीरा की है वो यहाँ 13 लीरा की है। सही कहा, मैं दवाई खाने जा रहा था, आप भी थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लें। ठीक है। मरवत बेटी, तुम्हारे हाथ में जो है उसे छोड़ो और पहले मुझे एक लस्सी बना कर दे दो। बिल्कुल मैडम। इकबाल मैडम, ये क्या हुआ है अभी? इकबाल मैडम, ये आपको अपनी बीवी से पूछना चाहिए मिस्टर नजीब। आपने कहा कि वो अपने लवर से मिलने वाली थी, मैंने आप पे भरोसा किया और बेइज्जत होके रह गया। ये काफी नहीं हुआ तो आपने कहा तस्वीरें हैं जिसमें वो बैठकर चाय पी रही थी। बदल दिया है उसने मिस्टर नजीब, सच को झूठ से बदल दिया है। वल्लाह मेरी वाली फोटोग्राफ में वो उस जान के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कैसे बदल गई इकबाल मैडम, कहाँ गई वो तस्वीरें फिर? मिस्टर नजीब, उस औरत के हाथ कहाँ नहीं पहुँच सकते, जहर है वो जहर, शैतान उसके सामने दूध का धुला हुआ लगता है।
कैसे किया उसने मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इकबाल मैडम। किसी इंसान को नापसंद करना ये अलग बात है और उस पर इल्जाम तराशी करना कुछ और। नजीब, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, एक है ऐसा आदमी, क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? ठहरिए एक मिनट रुकिए मिस्टर नजीब, ये लीजिए, फोन कीजिए उस शख्स को, ये लीजिए, पूछिए उससे ये दोनों कहाँ कहाँ थे, इन्होंने क्या क्या किया। ये बहुत ज्यादा हो रहा है इकबाल मैडम, आप काफी बच्चों की तरह बर्ताव कर चुकी हैं, और मैं किस आदमी से बात करूंगा? अगर ऐसा है भी तो उस आदमी का फोन नंबर आपके पास क्या कर रहा है? क्योंकि मैंने हायर किया था उस आदमी को। क्या? समरुत मैडम को फंसाने के लिए मैंने उसे पैसे भी दिए थे। कॉल कीजिए, आप उसे कॉल कीजिए नजीब, ये लीजिए, बात कीजिए उस आदमी से, आपको हकीकत नजर आ जाएगी, मेरी सुनिए तो सही। ये आपने क्या किया? इस काम के लिए आपने एक आदमी हायर किया? कब से आप ऐसी चालबाज हो गई हैं? क्या आपको ये सूट करता है? बताएं मुझे, आपको सूट करता है? यास्मीन, यास्मीन तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? यास्मीन, घर में कयामत बरपा हो गई है, तुम्हें दुनिया की खबर नहीं? क्या खबर है रेहान? सच बताओ, क्या वाकई तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं? क्यों, क्या हो गया ऐसा? तुम्हारी मॉम ने भाभी से झगड़ा किया। हाँ, इसमें क्या है रेहान? तुम्हारी मॉम घर छोड़ के चली गई। क्या बात कर रही हो रेहान, शाम में वापस आ जाएंगी, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या है? ठीक है, देखते हैं एक और चीज बताने पर तुम्हारा यही रिस्पांस होता है क्या। मैंने सिद्कू को ढूंढ लिया। सिद्कू कौन था? तो प्राग का पुराना शौहर। क्या तुम सीरियस हो? तो कहाँ है वो? हमारी नजरों के सामने, यही इस्तांबुल में। और तो और वो यहाँ आया था। एक्सेलेंट, मैं फौरन उससे मिलना चाहती हूँ रेहान। अल्लाह राजी हो तुमसे दामाद, आज तो मेरा दिल चाह रहा था बस खा लूं। शुक्रिया बाबा। बाबा, हमारे इलाके में गर्मी शुरू हो गई क्या? तुम क्यों ऐसे अलग खड़ी हो? चलो अपने शोहर के पास जाओ, पकड़ो उसका हाथ, अपने शोहर के गले लगो। हाँ, इसी तरह ऐसे। तुम दोनों की जोड़ी को ऐसे देखता हूँ तो मैं फखर महसूस करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, कितने खूबसूरत घर बने हुए हैं। अगर ऐसा एक घर भी मेरा होता तो इसका किराया ही मेरे लिए बहुत था। तो प्राग, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। हाँ, अगर तुम इस्तांबुल घूमना चाहती हो तो फिर तुम ड्राइवर को लेकर जहाँ मर्जी जा सकती हो। हम घर जाएंगे हर हाल में, यकीनन बाबा भी थक गए होंगे। नहीं मेरी जान, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी हम घर जाकर अभी क्या करेंगे वहाँ? ठीक है फिर, आप जैसा चाहें। शाम को मिलते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा इकबाल मैडम, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो हुआ है मुझे उस पर बेहद अफसोस है।
मैं उस वक्त भी आपकी वजह से मजबूर था और आज भी मजबूर हूँ इकबाल मैडम। तो फिर आप कुछ करते ना उस सिचुएशन को रोकते? सबसे पहले आप आते मरहूम के सामने और उनसे कहते कि आप उनसे पहले हैं, उनको हम दोनों की हकीकत बताते। थी आप में इसकी हिम्मत, लेकिन आपकी नाअहली हमारी बदकिस्मती बन गई है। आपने सिर्फ मुझे हैरानी नहीं किया इकबाल मैडम, बल्कि मेरा दिल भी तोड़ दिया है। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए बेटा। मैंने तुम्हें जिस हाल में देखा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देखा कि दामाद तुम्हारी आंखों में देख रहा था। एक बात पूछूं तुमसे, ये चिनार यूसुफ से ज्यादा नरम मिजाज है। इसका क्या मतलब बाबा? जैसे मिस्टर यूसुफ की आपने कोई रूडनेस देखी है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, अपने बूढ़े बाप पर यकीन करो। तुम्हारा शोहर अच्छे लोगों जैसा है। ठीक है, मैं भाई को आपका सलाम दे दूंगी। आप भी सबको मेरा सलाम कहिएगा। मैंने कायसरी में सबसे बात कर ली है। सिद्को को वो पहचानते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं है किसी के पास। मतलब ये आदमी इस्तांबुल में है और हम इसका नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है रेहान। मुझे ये भी तो नहीं पता कि हमें किससे पूछना चाहिए। हाँ तो जो करना है जल्दी करो, खड़ी क्यों हो तुम? जब हम सिद्को को ढूंढ लेंगे तो मेरे भाई भी हमें एक मिनट में ढूंढ लेंगे, फिर ऐसा मजा चखाएंगे कि पता चल जाएगा हमें। और ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाहते कि मिस्टर नजीब को इस बात के बारे में पता चले। असल में मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया?